हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अटल कुमार श्रीवास्तव, MBBS MD, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और आज मैं DD सीरीज पार्ट 7A अपलोड करने जा रहा हूँ। इस पार्ट में भी पहले की तरह 5 क्वेश्चंस हैं, और पहले भी बताया आपको ये 5 क्वेश्चंस नहीं होते, 5 डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया होता है कि जो बच्चे ऑल इंडिया PG में तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम देना है इनको, उनको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। और इन 5 टॉपिक्स पर कम से कम 50 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट PG एग्जाम में। तो आपसे एक ही गुजारिश है, जो मैं बार बार कहता हूँ, कि आप नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स तैयार करिए, न्यूमोनिक्स को याद करिए। ये न्यूमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको चीज़ों को मेमोराइज करने में, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ फोटोग्राफिक न्यूमोनिक्स में। और इन न्यूमोनिक्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कभी कभी 1 घंटे, 2 घंटे, और कभी कभी पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज करिए। यही सक्सेस का मूल मंत्र है, रिवीजन और रिवीजन। और इन 5 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन डिटेल में मैं कल की सीरीज में डिस्कस करूंगा, पार्ट 7B में। और अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। तो आज की डेली सीरीज की स्टार्टिंग करते हैं, पार्ट 7A। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया फॉर ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिलाई फ्रॉम ए टेंडर नॉन इंडोरेटेड इरेगुलर जेनेटल अल्सर वुड बी ऑप्शन 1 थान मार्टिन मीडियम, ऑप्शन बी ब्रेड अगर विद फैक्टर 5 and 10 मीडियम, ऑप्शन सी चॉकलेट अगर विद एसोविटाइल एक्स, और डी टेराइड ब्रेड अगर। तो इस क्वेश्चन को एग्जामिनर का पूछने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पहले तो आपको ये बताओ कि ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिलाई कौन कौन से होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको ये बताओ कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जेनेटिक अल्सर कॉज करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो टेंडर नॉन इंडोरेटेड जेनेटल अल्सर कॉज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो टेंडर कॉज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टेंडर, कुछ ऐसे होते हैं जो पेनफुल, कुछ होते हैं पेनलेस। तो ये कैच पॉइंट है। अगर आपको उस बैक्टीरिया का नाम पता है, आपको DD क्लियर है, तब क्वेश्चन आता है कि किस कल्चर मीडिया पर इसको ग्रो करते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो जब कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे कि DD क्या है जेनेटल अल्सर की, कौन से पेनफुल अल्सर होते हैं, कौन से पेनलेस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द ट्रू रिगार्डिंग रेजिस्टेंस ऑफ पेनिसिलिन इन स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक्सेप्ट। आंसर 1, पेनिसिलिन इज प्रोडक्शन इज ट्रांसमिटेड बाई ट्रांसडक्शन। ऑप्शन बी, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस इज ड्यू टू चेंज इन PBP, PBP मीन्स पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। सी, हॉस्पिटल स्ट्रेन मोस्टली प्रोड्यूस टाइप डी पेनिसिलिन इज। और ऑप्शन डी, पेनिसिलिन इज प्रोडक्शन इज प्लाज्मिड मेडिएटेड। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको ये पता हो कि किस किस बैक्टीरिया में ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन है, और अगर उसमें उस बैक्टीरिया में पेनिसिलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो यहां बात हो रही है स्टेफिलोकोकस की, तो जो स्टेफिलोकोकस में रेजिस्टेंस आ रहा है उसकी वजह ट्रांसडक्शन है, कि जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उसमें चेंज हो रहा है, कि वो अपना एक एंजाइम डी पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि वो प्रोडक्शन प्लाज्मिड मेडिएटेड है। तो अगर ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तभी आप कर सकते हो, तो कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड अगर रिकमेंडेड फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट यूजिंग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी किट्स या डिस्क। ए, मुलर इंटन अगर, बी प्लेट अगर, PLET अगर बोलते हैं, सी कैस्टेड अगर, डी सिप्टोमैट अगर। तो एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि कभी आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में गए हो कि नहीं गए हो, और माइक्रोबायोलॉजी लैब में भी किस लैब में, बैक्टीरियोलॉजी लैब में। अगर आप कभी बैक्टीरियोलॉजी लैब में गए हो तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे
कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी किस मीडिया का यूज करते हैं करने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इमेज बेस में भी आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो चार मीडिया दिया है कि कैस्टेडम अगर कहाँ यूज करते हैं, सिस्टेमेट अगर कहाँ यूज करते हैं, पीएलईडी अगर कहाँ करते हैं, सारे आपसे पूछे जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4, एंडोटॉक्सिन ऑफ विच ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव नो पार्ट इन पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। ऑप्शन 1 ईकोलाई, बी क्लेपसेला, सी बिब्रोकोल्ला, डी स्यूडोमोनास एरोजेनेसा। तो एग्जामिनर का पूछने का कॉन्सेप्ट पहले यह है कि पहले आपको बताओ कि एक्जोटॉक्सिन क्या होता है, एंडोटॉक्सिन क्या होता है, कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, कौन से ग्राम नेगेटिव करते हैं, और कौन सा इसका एक्सेप्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उनका नेचर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कौन सा टॉक्सिन पैथोजेनेसिस में पार्ट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। और ये क्वेश्चन हमेशा ऑल इंडिया पीजी में पूछा जाता है किसी ना किसी फॉर्म में, और सेकेंड ईयर में तो आता ही आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दी एक्जोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। ऑप्शन ए कॉलरा, बी प्लेग, सी लेप्टोस्पायरोसिस, डी एंथ्रेक्स। तो देख के बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें तो डिजीज है और यहाँ पर फादर है। अभी तो आपको याद कराया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पाश्चर, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कॉक, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। लेकिन यहाँ कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं है। हाँ तो ठीक हो आप, यहाँ कोई भी ह्यूमन नहीं है, एक ऐसी डिजीज है जिसको फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कहते हैं और ये एसपीएम में भी पूछा जाता है। इसलिए आने वाली सीरीज में मैं एसपीएम और माइक्रो दोनों कॉमन कर दूंगा। तो एक डिजीज को आपको आंसर पता है अगर आपने डीडीसी खुद अटेंड किया है, प्लेग। प्लेग को क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ। और ब्लैक पॉक्स किसको बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स को। तो कल डिस्कस करेंगे। और सबसे अंत में आपको इन पांचों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर देने हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।